नौकायन पर आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ व 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों सहित नागरिकों ने एक साथ राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गाया, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, जिसको देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामगढ़ताल जेट्टी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों सहित 1,00,000 नागरिकों ने एक साथ हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गाया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग शहर के हर हिस्से से लोग आए, जिससे लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह सहित भारी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, असुविधा उत्पन्न होगी, कभी कभी स्लो हो जाती है, बैटरी की तो डाउन हो गई, अभी हमारी बैटरी चार्ज है तो शायद हम आपको भी चार्ज।
देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है उसी क्रम में आज रामगढ़ ताल में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया है। यहाँ पे 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और शहर के सभी जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है। उम्मीद है कि इससे सभी के अंदर देश प्रेम की भावना और भी ज़्यादा जागृत हुई होगी और लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरे देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो 15 अगस्त आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, पूरे देश भर में आम नागरिकों ने अपने घरों पर झंडे फहराए हैं और पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। आज यहां पर भी गोरखपुर में भी हर गली मोहल्ले में लोगों ने तिरंगे झंडे फहराए हैं और यहाँ पर नौकायन पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें लगभग 1 लाख लोग यहाँ आकर के राष्ट्रगान एक साथ किए हैं। पूरे देशभक्ति का जज्बा आम नागरिकों में पैदा हुआ है। मैं विशेषकर इस अभियान को गति देने के लिए विगत 1 वर्ष से अमृत महोत्सव के रूप में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने अमृत महोत्सव कार्यक्रम से 1 वर्ष में एक देशभक्ति का जुनून पैदा किया है पूरे देश भर में।